नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात टीवी चैनल के ख़ुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 84वीं किस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आपने देखा था और सुना था कि किस तरह वबाए आम ने पहले से मौजूद नासाजगार हालात को मज़ीद बढ़ा दिया और किस तरह मदीने के यहूदियों की जानिब से जादू किए जाने की बात फैला दी गई कि इसी जादू की बदौलत अब मुसलमान पनप नहीं सकेंगे। चुनांचे आपके जानिसार किस तरह वबा की जद में अपने दिली इस्तिराब को जाहिर कर रहे थे, इंशाअल्लाह आज हम इसकी तफसील बयान करेंगे और ये तफसील उन मनाजिर पर मुश्तमिल है जो उस माहौल में नज़र आ रहे थे। ये देखिए सैयदना हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्तर मर्ज पर मारे कर्ब के तड़प रहे हैं और एक शेर में अपनी दिली इस्तिराब का इजहार कर रहे हैं जिसका मफहूम है, हमारी हालत यह है कि अपने लिए मौत को जूती के तस्मा से भी ज़्यादा करीब पा रहे हैं। और इधर देखिए ये सैयदना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, करवटें ले रहे हैं और दर्द भरी लय में अलाप रहे हैं। अरबी अशार जिनका तर्जुमा है, ये मक्के की वादियों और चश्मों और पहाड़ियों की याद ताज़ा की जा रही है। इस वादी में एक रात गुजार लेने की हसरत का इजहार है जिसमें इज़्क़िर और जलील नाम की घासें उगती हैं और हाँ मजना के चश्मे का पानी पीना और शामा और तुफेल नामी पहाड़ियों का मंज़र देखने के अरमान उबले चले आ रहे हैं। और आइए मुलाहजा फरमाइए ये हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, लबों पर क्या ही बेताब कुन शेर रक्सा है जिसका मफहूम है इनके इब्तिलाए बदन का आलम यह है कि मौत के आने से पहले मौत की आहट सुन रहे हैं। नाज़िन फिर ये हैं हज़रत शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस रफ़ीक़ की इरादत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। मरीज़ बेकरार रहता है कि अगर बतहान का पानी पी लेता तो अच्छा होता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चले जाओ, कौन रोकता है? मरीज़ कहता है हिजरत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाते हैं कि चले जाओ, तुम जहाँ भी होंगे मुहाजिर ही रहोगे। सुलह हुदैबिया पर जब मुसलमान मक्का गए तो उनके बदन बार बार की अलालतों ने ऐसे चूर चूर कर दिए हुए थे कि अहले मक्का की तरफ से ताने दिए गए और जाओ ना मदीना। इन्हीं तानों का रद्दअमल था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद के तहत मुसलमान अकड़ अकड़ कर चलते थे। इन्हीं हालात की बिना पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इन्ना शानुल हिजरतिल शदीद, यानी हिजरत का मामला बड़ा संगीन है, कोई खेल नहीं है। इस सिलसिले में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। एक बद्दू ने आकर के, बद्दू यानी देहाती को कहते हैं, एक बद्दू ने आकर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बयात की, लेकिन मदीना आते ही बुखार ने आ लिया। उसने इसको इस्लाम की बदशगुनी करार दिया और इसरार करके बयात ख़त्म कराई और चला गया। इस वाक़े पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना सुनार की भट्टी की मानिंद है कि खोट मेल को उगल देती है और ज़रे खालिस को अलग कर लेती है। बुखारी शरीफ की रिवायत है। यानी तहरीकों के कार्याजीम के लिए जो लोग उठते हैं उनको कदम कदम पर ऐसे मराहिले इब्तिला पेश आते हैं कि जिनको पार वही करता है जिसके पास ईमान का ज़रे कामिल अय्यार मौजूद हो, खोटा माल किसी न किसी मरहले में अलग हो ही जाता है। सो मदीना का ये मरहला इब्तिलाए सुनार की भट्टी का सा काम कर रहा था। उसवे सहाबा आज मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी जिन्होंने लिखा है किताब को, उसके 32वें और 34वें सफ़े में ये वाक़या आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सीरत इब्न हिशाम की जिल्द दुवम सफ़ा नंबर 222 221 में भी ये वाक़या मिल जाएगा। नाज़िन यही दौर था जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अल्लाह ताला से गिड़ गिड़ा कर दुआ की कि अल्लाह हमारे लिए मदीने को वैसा ही दिलकश बना दे जैसे मक्के को बनाया था या उससे भी ज़्यादा, और हमारे लिए उसके पैमानों यानी गल्ले और पैदावार में बरकत अता फरमा, और इस पर आई हुई वबा को हजफा यानी मीकात अहले शाम की जानिब मुंतकिल कर दे। सीरत इब्ने हिशाम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 221 में वाक़िया है, यह हदीस मरवी है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी तरफ आलम फ़क्र फ़ाक़ा की कैफियत हद दर्जा तशवीशनाक थी। नई जगह आकर माशी ज़िंदगी की बुनियाद डालना और फिर उसमें कस्बे हलाल का अहतमाम करना, और वो भी इस आलम में जबकि एक तहरीक लम्हा लम्हा इन्फाक़ माल के मुतालबात लिए सामने खड़ी हो, ऐसे हालात में जो इब्तिला पेश आ सकती है वो ज़ाहिर है आलमबरदारान हक़ पर जो कुछ गुजरी उसकी दर्दनाक रुदात से तारीख, सीरत और हदीस के ज़खायर भरे पड़े हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दौर इब्तिला का हाल यूँ बयां करते हैं कि हम लोग भूख की मुसीबत में घुल घुल कर जब तंग आ गए तो सहारा हासिल करने के लिए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, हाल बयान किया और पेट खोल कर दिखाए कि कई रोज़ के फाके की वजह से मादे में होने वाली ख़ास जलन को रोकने के लिए पत्थर बांध रखे हैं। इस पर तारीख की उस अजीम तरीन शख्सियत ने अपने पेट से कपड़ा उठाकर दिखाया था कि एक नहीं दो पत्थर बंधे थे। इस मंज़र को देखकर अपना दुखड़ा बयान करने वालों को तसल्ली हो गई थी। शमाइल तिर्मिज़ी में जाकर के आप इस वाक़े को उठा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक मरतबा इसी हाल में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेवक्त आए और चाहा कि तस्कीन हासिल करने के लिए अपनी तकलीफ़ बयान करें, मगर फिर ख़्याल हुआ कि इससे कायदे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामखा मज़ीद परेशानी होगी। थोड़ी देर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ पहुँचे, वो भी इसी इम्तिहान का शिकार थे। बाई से आमद पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ अर्ज़ किया कि भूख के मारे बेताब। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो फरमाया कि मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। तय पाया कि अपने रफ़ीक़ मकसद अबुल हैसम के यहाँ चलें। हज़रत अबुल हैसम बागात के मालिक और खुशहाल थे। तीनों अपने रफ़ीक़ के यहाँ पहुँचे तो वो बेचारे कादिम ना होने के सबब खुद ही पानी लेने चले गए, पानी लेने गए हुए थे। आए तो फर्त मसरत से लिपट गए और बाग में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और खजूरें तोड़ करके हाज़िर की। खजूरें खाकर इन फाका कुशान राह हक ने ठंडा पानी पिया और ख़ुदा का शुक्र अदा करते हुए और अबुल हैसम के लिए दुआए खैर देते हुए वहाँ से वापस हो गए। ये भी वाकया शमाइल तिर्मिज़ी में है। हज़रत साद इब्ने वक़ास ने एक मौके पर बयान किया कि तहरीक मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं ही वो पैरोकार हूँ जिसके हाथ से एक दुश्मन हक का पहला खून गिरा, मैं ही हूँ जिसने जिहाद में अव्वलीन तीर फेंका। हम लोगों ने ऐसी हालत में जिहाद किया है कि हम दरख्तों के पत्ते और केकर की फलियाँ खाया करते थे, और इस वजह से कि मुँह किनारे ज़ख्मी हो जाते थे और इजाबत ऊँटों और बकरियों की मेंगनियों की शक्ल इख्तियार कर जाती थी। नाज़रीन गिरामी, ये शमाइली तिर्मिज़ी में ये वाक़या है। ये वाक़िया ज़रा बाद के दौर से मुतालिक है, लेकिन इससे मदीने में पेश आमदा माशी इब्तिला का उमूमी अंदाज़ा हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने किस दौर से गुज़रे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ ख़ास हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि एक ज़माना था कि जब मैं मेंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा के हुजरे के दरमियान भूख और फाके की शिद्दत के मारे बेहोश पड़ा रहता और लोग मुझको जुनून ज़दा समझ कर बतौर इलाज पाँव से मेरी गर्दन दबाते थे, हालांकि मुझे जुनून नहीं हुआ था, वो महज भूख का आलम होता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही का एक बयान करदा वाक़या ये भी है कि आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ साथ चले जा रहे थे और किसी आयत का मफहूम ज़ेरे बहस था। बातें करते करते और साथ चलते चलते एकाएक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश होकर गिर पड़े। फाका कशी ने नौबत यहाँ तक पहुँचा दी थी। क्या आज के दौर में हम ये तसव्वुर कर सकते हैं? इस आलम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे बैतुल माल में आने वाली दौलत को हस्बे ज़रूरत रुफ़का को संभालने के लिए
सर्व करते जाते थे, मगर दायरा सिर्फ इतना वसी था कि बैतुलमाल की आमदनियाँ और अंसार और खुशहाल महाजरीन के फराग दिलाना इनफरादी सदक़ात बदरजे अदना भी काफ़ी नहीं होते थे। आम फाका ज़दा महाजरीन के साथ साथ असहाब सुफ़ा का मुस्तकिल दारुल इक़ामा ज़रूरतमंद था। मेहमान आते थे, बदवी लोग वक्तन फवक्तन इस्लाम लाने, ज़ियारत करने और अहकाम मालूम करने आते थे। साहिल आकर सवाल करते और मुसलसल नए महाजरीन की आमद रहती। इन हालात में बैतुलमाल बेचारा कर भी क्या सकता था। जब ये साथी और अहले हाजत की ज़रूरियात का दबाव शदीद होता था, कायद इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो इआनत की अपील कर देते और लोग जज्बे सादिक से अपना माल निचोड़ देते, या फिर कर्ज़ लेना पड़ता था। कर्ज अपनी जमात के अंदर से कुछ ज़्यादा मिल नहीं सकता था, लिहाजा यहूदी मालदारों की तरफ रुजू करना पड़ता था। यहूदियों का हाल ये था कि ये लोग पक्के महाजन और सूद खोर थे, और इनके सूदी जाल तमाम इलाके में फैले हुए थे, जैसे आजकल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को वो जिस गर्ज़ से कर्ज़ देते थे, वो सूद से ज़्यादा बड़ी चीज़ थी, और वो ये थी कि रुपये और एहसानदारी के ज़ोर से उन पर काबू पाया जाए। और इस जहनीत के साथ वो कर्ज़ख़ाही में बिल्कुल जाबिराना जहनीत का मुजाहरा करते और तौहीन और तजलील पर उतर आते। यही हाल मुशरिकीन का भी था। इस तलख तजुर्बे से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुज़रना पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को भी गुज़रना पड़ा। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे वाक़ियात सीरत और तारीख़ की किताबों में मज़कूर हैं। आह, दुनिया की भलाई के लिए ज़िंदगियों की बाजी लगा देने वालों ने ये सब कुछ भी भुगता, मगर इस मफलूकुल हाली पर भी अपने ईमान और मकसद के बारे में इस्लाम के सिपाहियों में कोई तजलजुल नहीं आया। नाज़रीन, इन हालात में मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात को किस तरह संभाला दिया, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इन्हीं तफसीलात को लेकर मैं हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। यहाँ ख़त्म हो चला है हमारा वक्त, हमें इजाज़त दें, खुद भी देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।